आज बड़े दिल से आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत दिनों से मैं बात सोच रहा था कि देश में, हमारा देश में ऐसी तकलीफ है क्या कि देश एक्चुअली ग्रो नहीं कर पा रहा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन के 48% महिलाएं जो हमारे देश में हैं, उनके ऊपर किसी ने कभी सोचा नहीं जितना सोचा जाना चाहिए था। एक ऐसा टैलेंट छुपा हुआ हमारे देश में, उनको दबाया गया है कॉन्शियसली। आप एक बात बताऊं आपको, मैं एनएसएसओ की ऑथेंटिक रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, केवल 4% का वुमेन पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे देश के अंदर। जहां तक कैपिटलिस्ट बड़ी पावरफुल कंट्री में एक औरत का 71% से 75% तक पार्टिसिपेशन होता है। आज नौकरी नहीं देना चाहता कोई औरतों को, क्यों नहीं देना चाहता? अरे ये गर्भवती हो जाएगी, अरे इसकी शादी हो जाएगी, अरे इसके बच्चे हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएगी। उनको नीचे डाउन प्ले करके देखा जा रहा है। उनको काम क्या सिखाते हैं? तू बिस्तरा लगा, खाना बना, जूते पॉलिश कर घर में बैठ के। एवरेज एजुकेशन एक औरत को हमारे देश में आज 1.25 साल तक दी जाती है। 1.25 साल, समझ रहे हैं मेरी बात को? नर्सरी में पढ़ना शुरू किया, केजी के बीच में छोड़ दिया है क्या? बिल्कुल 1.25 साल एवरेज एजुकेशन है। 2011 का सेंसस रिपोर्ट, ऑथेंटिक डेटा, 1.25 साल आज एजुकेशन दी जा रही है एक औरत को हमारे देश के अंदर। नर्सरी में पढ़ना शुरू करो, केजी में पढ़ाई खत्म। अगर 1.25 साल की एजुकेशन है, एक बात बताइए, 50% देश में औरतें हैं, 48% औरतें हैं। अगर औरत पढ़ी ही नहीं, देश कैसे ग्रो कर लोगे? आप अकेले चला लोगे? आप अकेले चला? आज क्यों बड़े बड़े देश दुनिया भर के क्यों आगे निकल रहे हैं हमसे? इसलिए क्योंकि हमारे देश में औरतों को कैसे देखा जाता है? बैंक लोन देने को तैयार नहीं। बैंक कहता है अरे लोन नहीं चुका पाएगी, हाँ ये तो लोन नहीं चुका पाएगी। अच्छा, कुछ गिनी चुनी दबी कुचली औरतें उठ करके खड़ी होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो उसके बाद क्या मिडिल मैन आता है बीच में, क्योंकि हमारे देश में ना औरतें हर जगह जा नहीं सकती, हर चीज में औरत घुस नहीं पाती है, क्योंकि उसको फिर ऐसे नजर से क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। किसी काम के सिलसिले में अगर बाहर जाके होटल में अकेला कमरा लेना पड़ जाए तो उसको ऐसे देखा जाता है, होटल में अकेली रह रही, क्या चक्कर। आज आप कितनी जगह पे उनको दबाया जा रहा है। उनको अगर आप किसी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहे रेंट के ऊपर, तो उनको देना नहीं चाहता कोई रेंट पे। अरे पता नहीं किराया दे पाएगी नहीं दे पाएगी। सपोर्ट के मामले में आज औरत को नीच रूप में देखा जा रहा है। अरे नीच देखने वालों, आप अपने देश अपने घर को नीच कर रहे हो उस समय। क्यों? क्योंकि ना तो देश आगे बढ़ रहा है, ना आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। मानसिकता की दिक्कत है। वर्ल्ड बैंक की 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता औरतों को पनपने के लिए। यहां पे तो औरतों को दबाया जा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। आप जानते हैं 131 देशों में भारत की रैंक 120वीं है वुमेन वर्कफोर्स में। औरत को सोचा जाता है ये काम करने लायक ही नहीं है, जबकि इसी देश ने नैना लाल की दुआ दी थी। आई एम चेयरमैन इंडिया एंड डायरेक्टर HSBC एशिया पैसिफिक। जबकि इसी देश ने उठ के इंदिरा नूई बाहर निकली, अरुंधति भट्टाचार्य इसी देश से निकली, शहनाज हुसैन एक बहुत छोटे से परिवार से मिडिल ईस्ट से निकल के आई, जिसने हर्बल प्रोडक्ट को लेकर के दुनिया में आज सबसे बड़ा नाम कर लिया। इसी देश की लड़की है कल्पना सरोज, 12 साल की बच्ची, उसकी शादी कर दी गई। 6 महीने बाद उसको इतना तंग किया गया, उसकी शादी बर्बाद हो गई। उसके बाद उसके पिता ले आए, कांस्टेबल की बेटी थी, छोटे से गांव से निकली, 17 साल की उम्र में मुंबई पहुंची। वहां जाके उसने स्ट्रगल करके छोटा सा व्यापार चालू किया फर्नीचर का, और उसके बाद धीरे 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 नए स्किल बिल्ड किए। इस कल्पना सरोज के बारे में पढ़ना, ये ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाद में कहीं जमीन लेकर के उसने एक सिख कमानी ट्यूब जो बर्बाद हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, उसको खरीदा, उसके सारे केसेस, उसके सारे पैसे चुकाए, और आज उस कमानी ट्यूब को एक $multi-million वेंचर पे खड़ा किया। आप देख रहे हैं, ये यही हमारे देश की लड़कियां इतना पोटेंशियल लेके बैठी हैं। इमोशन और पैशन की स्ट्रेंथ औरतों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसके कारण उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, फेलियर को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। देखो भाई, समझने की बात यह है कि पाकिस्तान की वो लड़की छोटी सी 12 साल की 3 गोलियां खाई सर में, क्या कह रही थी कि पढ़ने दो यार, क्या कह रही, पढ़ने दो, पढ़ने दो, क्या डिमांड कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, पढ़ने दो, इनकरेज करो, उत्साह बढ़ाओ। ये लड़की आपके परिवार और आपके अगले परिवार, दो परिवार को सुख देगी, बेटा आपका एक परिवार को सुख देगा। अगर पोटेंशियल है ही इतना, तो उसको बिल्ड करिए, हो सकता है कि वो अगली ग्लोबल सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर बन जाए। देश बड़ा नहीं होगा, आपको बता रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा आज मेरे वीडियो देख करके, देश बड़ा नहीं होगा अगर आपने इक्वल पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं किया
आज मैं महिलाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं, बाउंस बैक करिए, खड़े हो जाइए, बाउंस बैक करिए, उत्तिष्ठ। आज देश की सारी औरतों को मैं इकट्ठा खड़ा करना चाहता हूं। हमारे लीडरशिप फोरम में बहुत सारी औरतें आती हैं, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पावरफुल लर्निंग पे फोकस करिए, बहुत पोटेंशियल है, पुराने पैटर्न को छोड़ दीजिए, दम है आप में। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे डाउनलोड करिए और हर उस औरत तक पहुंचा दीजिए जिसका उत्साह नीचे गिर रहा हो, हर उस औरत तक पहुंचा दीजिए जो हो सकता है सिंगल मदर हो, जिसके अंदर बहुत ताकत थी लेकिन अपना मोटिवेशन खोई बैठी हो। देश की औरतों को खड़ा कर देंगे तो देश खड़ा हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने करवाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद।